हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैसेज कैसे लगवाएं फ़ोन पर एंड मोबाइल नंबर कैसे लिंक करवाएं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है, वो आप मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप स्टेप बाई स्टेप देखते रहें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है, तो ये है SMS अलर्ट एंड मोबाइल नंबर लिंक करने का फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है इसमें। देखो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो डेट भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेट भरनी है, जिस डेट को आप मोबाइल नंबर लिंक करवा रहे हो उस तारीख को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आपका नाम आएगा इन कॉलम्स में बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, अपना नाम लिख देना और उसके नीचे है अकाउंट नंबर, इसमें आपके आएंगे अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकाउंट नंबर लिख दें। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे है मोबाइल नंबर, इसमें आप अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। ठीक है, जिस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज लगवाने हैं वह मोबाइल नंबर इस कॉलम्स में लिखने हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। और उसके बाद है देखो आधार नंबर, आपको अपने आधार नंबर भी भरने होंगे, जो आपको आपके अकाउंट में आधार नंबर दिए हुए हैं वो आधार नंबर इसमें डालने होंगे आपको। ठीक है, इतना भरने के बाद देखो यहाँ पे आपका साइन होना है, यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन करने के बाद देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी फॉर ऑफिस यूज, आप भी भर सकते हो इसे। ठीक है, तो अपनी जो बैंक की कापी में होती है कस्टमर आईडी, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो ये कम्प्लीट हो चुका है और आप भी बिल्कुल ऐसे स्टेप बाई स्टेप देखकर भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, और इस फॉर्म को आपको बैंक के कर्मचारी को पकड़ा देना है, वे आपके मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे अकाउंट में। ठीक है, आपके मैसेज लग जाएंगे और मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।